नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। इधर नीतीश और तेजस्वी सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल 36 घंटे के भीतर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए बदमाशों ने 5 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पटना में एक निजी अस्पताल में घुसकर हथियार के बल पर 2 निदेशकों का अपहरण कर लिया गया। जी हां, जबकि पटना से 250 किलोमीटर की दूरी पर भागलपुर में एक व्यापारी को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। कपड़ा कारोबारी से रंगदारी मांगी गई। खगड़िया में वीडियो ने दबंगई दिखाते हुए 2 भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी। एक के बाद एक बीते 36 घंटे में 5 बड़ी वारदातें घटी। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। पहली बड़ी खबर तो पटना से ही है। पटना का कंकड़बाग इलाका, जहां पर फिल्मी अंदाज में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको हैरानी होगी, राजधानी में एक निजी अस्पताल में 4 किडनैपर्स दाखिल हुए, हथियार का दम दिखाते हुए 2 डायरेक्टर्स को अगवा कर दिया। आप स्क्रीन पर जो कार देख रहे हैं, इसी में दोनों डायरेक्टर्स को अगवा किया गया था। किडनैपर्स ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और अस्पताल से निकलते ही 10 लाख की फिरौती की मांग की थी। पटना पुलिस ने इस मामले में दोनों डायरेक्टर्स को छुड़ा तो लिया है, एक महिला समेत 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार भी किया है। दोनों डायरेक्टरों को सारण जिले के एक गैराज में रखा गया था, जहां से इन किडनैपर्स की गिरफ्तारी हुई है। पटना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर का अपहरण कर लिया गया। अपहर्ता रात में पहुंचे यहां पर डायरेक्टर चैम्बर में। ये देखिए, डायरेक्टर चैम्बर है और इसमें 2 डायरेक्टर बैठे हुए थे जो कि पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखते हैं, और उन दोनों को हथियार के बल पर किडनैप कर लिया गया। और यहाँ पर आप देखिए, CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और इसमें सारी तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिस तरह से यहाँ पर अपराधी आए और इसी रास्ते से उनको ले जाया गया नीचे की तरफ, और एक गाड़ी में बिठाकर उनको यहाँ से छपरा की तरफ ले जाया गया। और पूरे रास्ते जो अपहर्ता हैं वो परिवार वालों को फ़ोन करके फिरौती की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग की जा रही थी, और इस दौरान उनको लगातार धमकाया भी जा रहा था। यहाँ पर हॉस्पिटल का ये निचला हिस्सा है। इसके बाद जब यहाँ से किडनैप कर लिया गया, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने फिर पूरे मामले की तहकीकात की और उसके बाद अगले दिन छपरा के पास ये पता चला कि वहाँ टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस एक गैरेज के पास पहुँची, और गैरेज के पास ही वो गाड़ी लगी हुई थी जिससे डायरेक्टर का अपहरण किया गया था, और उसके बाद फिर वहाँ से उनको बरामद किया गया है। लेकिन जिस तरह से फिरौती की रकम मांगी गई थी और जिस तरह से यहाँ से उनका अपहरण हुआ, उसके बाद पटना पुलिस के लिए काफ़ी ये चुनौती भरा काम था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह का अपहरण पटना में सामने आया। इससे पहले एक समय था जब कई डॉक्टरों का अपहरण यहाँ होता था, लेकिन बीच में ये सारी चीज़ें रुक गई थी। लेकिन जिस तरह से इस अस्पताल से अपहरण हुआ, उसके बाद पुलिस ने तुरंत मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर छापेमारी करना शुरू किया, और उसके बाद छपरा में उनका लोकेशन मिला, और उसके बाद पुलिस ने उनको बरामद कर लिया। वो कार भी बरामद कर ली गई है जिससे जो डायरेक्टर हैं उनका अपहरण हुआ था। यहाँ कुछ अस्पताल के स्टाफ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताओ कि यहाँ पर डायरेक्टर जो रवि रंजन हैं वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग ऐसे, हम न्यू स्टाफ है सर, हम लोग को कुछ पता नहीं। मैंने मैनेजमेंट देखते हैं। सुभाष हैं, वो कौन है? वो भी दोनों वही करते हैं, दोनों डायरेक्टर। से उनका किस तरह से यहाँ पर, कब आए थे जो किडनैपर आए थे, वो कब आए थे, किस तरह से? मेरा डे ड्यूटी, हम लोग को कुछ पता नहीं है। आप बता सकते हो कुछ, यहाँ पर कितने बजे ये घटना हुई थी? सर मेरे भी डे ड्यूटी है, नाइट में क्या हुआ है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये स्टाफ है यहाँ के, उस समय ये लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जो जानकारी आई है, कई लोग बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर पहुँची भी थी और उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली, और अब जो डायरेक्टर हैं उनको बरामद तो कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे जो गिरोह था, उस गिरोह की पहचान भी कर ली गई है। एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं। फिरौती की रकम जिस तरह से बार बार मांगी जा रही थी,
उसके आधार पर इस पूरे गिरोह के बारे में पुलिस पता कर रही है कि ये कौन सा गिरोह है, किस तरह से ये काम कर रहा था और कौन सा वो इलाका है जहां पर ये गिरोह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। तो फिलहाल अभी पटना पुलिस के कब्जे में वो दोनों डायरेक्टर हैं जिनका अपहरण हुआ था। क्योंकि पुलिस आगे भी अभी छानबीन कर रही है, इसलिए डायरेक्टर के जरिए और जानकारी ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार में जंगल राज की बानगी, दो लोगों का अपहरण हो जाता है। बेगूसराय की घटना देखिए, 36 घंटे बीत चुके हैं लेकिन शूटर्स कौन थे कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। एक तरफ मुजफ्फरपुर में रंगदारी सरेआम मांगी जाती है। जंगल राज से जुड़ी हुई बड़ी खबर भागलपुर से भी। भागलपुर में बदमाशों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए सरेआम एक व्यापारी का मर्डर कर दिया। बेगूसराय की तरह भागलपुर में भी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। व्यापारी को 4 गोलियां लगी जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। नाथनगर इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान से बाहर निकलते ही व्यापारी पर हमला हुआ। SSP के मुताबिक बदमाश हत्या के ही इरादे से यहां पर आए थे। मामले में जांच जारी है लेकिन अपराधी कानून के शिकंजे से अभी भी दूर है। व्यवसायी की यहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई है नाथनगर में। इस पर यहाँ जो खाली खोखा है काफ़ी संख्या में मिला है और लगता है 4 गोली लगी है। तो हॉस्पिटल में ले जाते क्रम में उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के इरादे से ही आए थे। तो अभी जांच की जा रही है, जल्दी ही इसका उद्भेदन करके अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।